मैं इंडियन आर्मी का ही हूँ। इंडियन आर्मी का तो क्या लगता है, जो मोदी सरकार है वो तो सेना के नाम पर वोट मांग लेती है। ये सेना के नाम पर सेना में मरवा भी तो दिया, पुलवामा वाला कांड भी तो करा दिया। यहाँ पर ये दो जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर माओवादी नक्सली यहाँ पर आ गए यहाँ तो भीड़ इन्होंने ढूंढ लिया। अच्छा, पुलवामा वाला कांड हुआ तो बहुत शांति थी, शांति इलाका था, भीड़ नहीं थी। वहां पर क्यों नहीं वो बारूद ढूंढ पाई, किसने भेजी? बाबा भी तो ढूंढ लेते। अच्छा, नहीं ढूंढ सकते थे? आज के मसीहा हैं मोदी जी, देश के माई बाप हैं, है? सर्वोच्च सीट पे बैठे हैं, किसी को भी कुछ भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। आप रोक लेंगे? मैं ज्यादा बोलूं तो मुझे ही करंट पकड़ा देगा, तार पकड़ा देगा, बोलो ये साला अपने आप पकड़ने गया। मोदी है तो मुमकिन हो रहा है सब कुछ, मोदी है तो मुमकिन है। अगर प्रैक्टिकली देखना है तो ईवीएम हटा दीजिए, ग्राउंड में आ जाइए, ईवीएम से जीत जाते हैं लोग। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ, आप तो यही रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये जवान क्यों धरती पे आए, यहाँ दिल्ली की धरती पे क्यों आए? लेकिन जो मोदी सरकार जो भाजपा है वो तो देशभक्ति के नाम पर वोट मांगती है और आप उनके खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं। भक्ति काहे की भक्ति? देशभक्ति। बाकी ये बेवकूफ, ये भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। जिनके पीछे से चल रही देश है पूरा, वो तो कहते हैं देशद्रोही है, देशद्रोही है। ये गुजरात नहीं है, उसने दो चार चैनल बना रखे हैं। ये गुजरात नहीं है मेरे बड़े भाई, ये इंडिया, ये दिल्ली है और ये जनता है। ये जिसको चढ़ाना जानती है उसको नीचे से काटना चाहती है। तलवारें रखते हैं, ये तलवारें इसलिए नहीं रखते 120 में, ये निकालना भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं जो मेड के लिए आदमी नहीं छोड़ते, फिर ये तो दूर की बात है। तो खेत मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम भी फौजी हैं, अगर हम वहाँ पे रक्षा करते हैं उनके हक के लिए आगे तिरंगा लेके हम भी खड़े होंगे। नेता कोई डिसीजन नहीं इस चीज का, फौज और जवान सामने सामने हैं, वो कभी नहीं लड़ेंगे। चाहे हमें मुद्दा बैठ के आपस में समझौता करना पड़े, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन काला कानून वापस होगा ही होगा। अगर गलत है तभी, और दूसरा बात, अभी बात खालिस्तानी की और वो वाली बात आई थी, बिल्कुल गलत। हम आपको बता दें कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो सरकार ने क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई उनकी, जो 40 शहीद जो जवान हुए हैं उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। एक सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर था, उसके लिए सीबीआई जांच बैठ गई। यहां उनको पता लग गया कि आतंकवादी और खालिस्तानी बैठे हैं, उनको वहां नहीं पता लगा कि किन्होंने हमला कराया है। जहां पे एक सामान चेक करने के लिए पूरे बैगों की तलाशी की जाती, वहां 300 किलो आरडीएस कहां से आएगा? जो हमारा कृषि मंत्री है ना, उसकी नीयत सही नहीं है। यहाँ पर किसान आंदोलन में 15% लोग वो हैं जिनकी उम्र हमारे तोमर से और हमारे मोदी जी से बड़ी है। वो 20 दिन के यहाँ ठंड से मर रहे हैं। अगर इनको दिलचस्पी हो किसानों के साथ, क्या 20 रोज में मोदी जी और तोमर जी यहाँ नहीं आ सकते? मगर उनको ये है, किसान क्या होता है, किसान को तो हम ऐसे ही मार देंगे। ऐसा है, सैनिक अधिकारी जो हैं वो भी तो किसान के बेटे हैं, उनके भी माँ बाप भाई बहन सब खेती कर रहे हैं, उनको भी किसानों के साथ हमदर्दी है, देश के साथ हमदर्दी है, देश को बचाने के लिए वो संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं। माफ करना, सिर्फ खालिस्तानी नहीं कहते, कभी कहते ये माओवादी है, कभी कहते ये नक्सलवादी है, कभी कहते ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये सारे का सारा। तुम से कहिए ना, टेररिस्ट वाले हैं, मरवा दो ना, हम टेररिस्ट वाले हैं, मरवा दो, आतंकवादी बता के मरवा दो। हमारे तोमर जी ने अपने दफ्तर में बुला के ये साबित करना चाहा कि किसान जो हैं वो इस कानून के हक में बोल रहे हैं। अगर यही बात है तो वो क्यों नहीं कहता भी जाओ किसानों घर को, जब हम आपने बात मान ली है ये किसानों के हक में है कानून, तो घर को जाओ, क्यों नहीं घर को भेजते? वो देयर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, बीजेपी स्पॉन्सर्ड किसान, असली किसान कोई नहीं है, वो सब उनके पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं चंद लोग, 0.1% भी नहीं है। वो कहीं से फंडिंग नहीं हो रही, कभी किसान को कहते हैं इसको अकल नहीं है, ये दूसरे की कंधे पर रख के बंदूक चलवा रहा है, कभी कुछ कहते हैं। क्या किसान इतना मूर्ख है? किसान आज का किसान मूर्ख नहीं है, ना वो अनपढ़ है,
मूर्ख ये हैं जो सेंटर में बैठे हैं, जो किसानों की आवाज को दबा रहे हैं। सर करीब 20 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन चल रहा है बड़े पैमाने पर गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है। ऐसा है जी, सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं है जी। 5 साल पहले इन्होंने जो षड्यंत्र रचा ये कह के भी 2022 तक हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, सबसे पहले ये साबित करें कि 2021 आने वाला है, क्या इन्होंने सवाई की है, डेढ़ी की है, या दुगनी कब तक करेंगे। ये चांसा दे के, ये गुजरात की सरकार, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, सेंटर में गुजरात की सरकार है। 4-5 उद्योगपतियों ने अपना पैसे के साथ मोदी जी को गद्दी पर बैठा दिया है। ये इन्होंने अपने जहां जहां इनकी बीजेपी सरकार है सबको हदायत की है कि अपना पूरे का पूरा बल योग उपयोग करके वहां के किसानों को यहां तक मत आने दो। नोटबंदी में भी देश का बहुत नुकसान हुआ, और ये बात अलहदा है भाई मोदी ने कोई काम अच्छे किए हैं, वो ये है 370 हटाई, अयोध्या का फैसला करा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों का वो गल दबा दे, किसानों को मार दे। किसानों की नीति साफ है, किसानों की नीयत साफ है, ना तो मोदी की नीयत साफ है और ना तोमर की नीयत साफ है। अगर तोमर की नीयत साफ होती तो वो 20 दिन में एक दिन तो यहाँ पहुँचता। ऐसा है जी, चोर कभी कहता है मैं चोर हूँ, वो तो ये कहेगा ही मैंने कभी चोरी नहीं करी। जब जियो स्टार्टिंग में आया था धनाधन फ्री था जी, किसका फायदा हुआ था, अब फायदा किसका हो रहा है, अंबानी को, अब भी फायदा किसको होगा, ये जो बिल ले आएंगे इससे फायदा किसको होगा, उद्योगपति को। 2 दिन के बाद हमें फायदा दो तो चलो, तो 18-20 रुपए में गेहूँ खरीद ले, तुम्हें फ्री दे दिया गेहूँ मेरा ले लिया या पैसे दे दिए, उसके बाद हम क्या कटोरा लेके बैठेंगे। अच्छा भाई साहब, इस पूरे आंदोलन में जो सेना के अधिकारी हैं आर्मी के वो भी आ रहे हैं, कितने लोग पहुँचे आज यहाँ पर? 250 ना माने हम बैठे हैं तब तक हमारी जीत है, हम उनके बच्चे हैं, बच्चों का काम है बड़ों से जीत करना, हम जीत कर रहे हैं। माफ कर दो, छोड़ देंगे शायद, नहीं छोड़ देंगे तो जन सैलाब दिखाई देगा 2-4 दिन के अंदर। आगे क्या आप कितने को मारेंगे, आप एक को मारेंगे, दो को, हम तो वैसे ही फौजी हैं, मरने के लिए जी हैं, आज मर जाए कल मर जाए कुछ पता नहीं, तब भी शहीद कहलाएंगे जी। मरना ही तो है, यहाँ मरेंगे तब भी शहीद कहलाएंगे, बॉर्डर पर मरेंगे तब भी शहीद कहलाएंगे। इस पूरे किसान आंदोलन में दो लोग बहुत सुर्खियों में आ गए हैं, अडानी और अंबानी, इसके पीछे क्या राज मानते हैं आप? नहले और दहले समझते हैं ना, हिंदी में हमारी गाँव की भाषा, नहले और दहले हैं मोदी जी के। अभी सरकार कौन चला रहा है? मोदी अडानी जी, और क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव एजेंसियां बनेंगी, उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, किसान की जमीन तो जो है टेंडर पे आई जाएगी, लेकिन नुकसान उसे मजदूर को ही पड़ेगा। आज यहाँ पे किसान बैठे हुए सब लोग मारे जाएंगे, जो आटा 25 रुपए बिकता है वो स्टॉक करके रखेंगे, वो जाएगा 80 रुपए को, तो नुकसान किसका होगा, हर किसी का होगा। अगर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जैसे उत्तराखंड से अरविंद पांडे जी आ गए थे यहाँ पे, कुछ सब के सब दलाल थे उसमें, जो रेत माफिया है वो उनके साथ आए थे, कोई किसान नहीं आया, गलत है ये सब जो मीडिया उसमें अफवाह दे रही है, कोई किसानों की सहमति नहीं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के 500 से 10-20 हजार किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबके सब मीडिया ने गलत दिखाया, कोई किसान इस बात पे सहमत नहीं है कि काला कानून वापस लेना चाहिए। काला कानून के लिए हम लोग खड़े हैं, काला कानून वापस होने चाहिए। जब जियो यहाँ पे लॉन्च हुआ था शुरू शुरू में, तो इन्होंने क्या किया था, जियो में सब कुछ इन्होंने फ्री कर दिया था, नेट भी फ्री था, सब कुछ फ्री था। अब यह बताइए, अब वो कॉल रेट किस हिसाब पे चली गई, अब वो 500 रुपए पे गई कि नहीं गई, उसका जियो ने कोई एग्रीमेंट थोड़ा करा आपके साथ कि हमेशा फ्री देगी आप। तो हम अपनी किसान का क्यों एग्रीमेंट करेंगे, हम अभी जमीन के मालिक खुद हैं कि सरकार है। अब ये बताइए, जब हमें वर्ग एक में हमें अपनी किसानी की जमीन है, तो हम किसी लिए टेंडर पे किसी को क्यों देंगे? सरकार कह रही है समय की डिमांड इन कानून की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये किसानों की खेती है, किसान कोई जरूरत नहीं ऐसे किसान की, जब किसान अपने हक के लिए खड़ा, आज तक ऐसे कानून की जरूरत, आज क्यों पड़ी ऐसे कानून, क्यों? क्योंकि मोदी जी बिके हुए हैं, उनका टेंडर किससे हुआ है, अंबानी और अडानी से, हमसे किसी किसान से कोई टेंडर नहीं हुआ, ना किसी किसान ने बोला था हमें काले कानून की जरूरत है, ना अगर जरूरत होती तो किसान यहाँ पे बैठा नहीं होता। लेकिन ओपन मार्केट की, खुले बाजार की तो लंबे समय से डिमांड है। आप ये बताइए कि जीडीपी गिर रही है देश की,
मोदी और अपना जो अंबानी जी हैं उन्हें 10% फायदा किसी चीज का हो रहा है उसमें, उनका जो उनकी जो मार्केट रेट के हिसाब से उनको 10 गुना कैसे बढ़ गया वो, तो जीडीपी क्यों गिरी हिंदुस्तान की, किस वजह से बढ़ी, इकोनॉमी क्या थी और आज क्या गिर गई, किस चीज का फायदा उनकी सरकार से हवाला दे रही है, पूरी दुनिया में संकट है तो जैसे जीडीपी गिरी है भारत। बिल्कुल, आप एक चीज बताइए, हमारा ये हिंदुस्तान है, ये मैटर यहाँ पे नहीं यूएनओ में भी चल रहा है, यूएनओ क्यों इस चीज का अपोजिट कर रही है, क्यों उनको पता कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये मैटर राष्ट्रीय लेवल का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऊपर भी पहुंच गई है और हर जगह से हर कंट्री में विरोध हो रहा है, ये क्यों नहीं प्रूव करती गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि सबके सब साले निकम में बैठे हुए एक तरफ से, आईटी साल पूरा उनका बैठा हुआ वहां पे, क्यों नहीं चीज करते हो, उनसे पूछ के देखो जिन लोगों की माँ बेटों के वो शहीद हुए जवान का, इन्होंने क्या बोला था हमारे पीलीभीत स्टेट में, आप जाके पूछिए क्या इनका रेट था, गवर्नमेंट रेट 1888 रुपए रेट था, 1900 रुपए को धान बिका है, आप जाके पता कीजिए, वहाँ के डीएम से बात कर सकते हैं, जिससे मर्जी बात कर सकते हैं, बस एक ही बात है काला कानून वापस करो, हमारी यही मांग है। किसान एक अंदाता, ये सरकार दो चीज पे डिपेंड करती है, हिंदुस्तान सिर्फ दो चीजों के ऊपर चलता है, पहला जवान और दूसरा किसान, अगर जवान बॉर्डर छोड़ दे तो क्या होगा, अगर किसान अन्न देना छोड़ दे तो क्या हो जाए, सरकार किसी नेता के भरोसे भी नहीं चलती, सरकार चलती किसानों और जवानों के भरोसे पे। लेकिन सरकार तो कई अभियान चला रही है, चौपाल चला रही है आपको गलत साबित करने के लिए, बिल्कुल गलत, किसान गलत है चला रही है, आज सब मोटिवेट हो रहे हैं, इसमें नुकसान सिर्फ एक आम आदमी का भी है, उसमें खाली किसान नहीं मारे जाएंगे, मजदूर ही मरेंगे उसमें, क्यों, क्योंकि जब रेट हर चीज का बढ़ेगा, पहले तो आप उसको घटाएंगे घटाएंगे फिर बढ़ा देंगे उसके बाद में। जय हिंद जय भारत।